पूछना हो तो जब मेरा लेक्चर फिनिश हो जाए उसके बाद चेक कर लीजिए एक बार कोई क्वेश्चन बच रहा है। मुझे नहीं लगता है बच रहा, सब ये बुक में लगभग सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना। इसमें क्या बोल रहा है जी, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवेन रेडियस आर लेंथ एल ईच मेड द सेम मटेरियल हुज मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर इन कंडक्टेड मोस्ट हीट। इसमें पूछा था मोस्ट हीट किसमें कंडक्ट होगा, तो क्यू की वैल्यू क्या होता है, के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल होता है, और एच की वैल्यू हीट कंडक्टन क्यू बाई टी होता है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन टी होगा। के मटेरियल सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, तो ए और एल पे डिपेंड करेगा। ए होता है पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो आर स्क्वायर अपॉन एल होता है, जिसका आर ज्यादा और जिसका आर बढ़ाओगे तो एच बढ़ेगा, एल घटाओगे तो हमारा एच बढ़ेगा। तो इसमें सिर्फ चेक करना था, इसका आर नॉट है, आर नॉट है, ये 2R0 है, तो सीधे मैं डायरेक्ट यही आऊंगा 2R0 पे, लेकिन ये 2R0 है, ये L0 है, ये 2R0 है, 2L0 है, लेकिन इसमें ज्यादा होगा। फिलहाल मैंने इसमें सब कैलकुलेट करके बताया था, R0 स्क्वायर अपॉन L0, 2R0 का स्क्वायर अपॉन L0, ये कितना आया था 4R0 स्क्वायर अपॉन L0, ये कितना R0 स्क्वायर अपॉन 2L0 होगा, तो 2 को बाहर ले लिया, इसको 2L0, और ये कितना हमारा 2R0 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 2R0 स्क्वायर बाई L0। मैंने एक काम किया, आर नॉट स्क्वायर बाई एल को एक्स मान लिया तो ये एक्स हो गया, ये एक्स बाई टू हो गया, ये 4x हो गया, ये 2x हो गया, तो 4x सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हीट कौन कंडक्ट करेगा, बी वाला। समझे कि नहीं, यानी इस क्वेश्चन को जो हम लोग बता चुके हैं तो यहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आप कर लेंगे ना, बोलो जी। इसमें सिर्फ क्या चेक करना था आपको कि किसमें ज्यादा हीट कंडक्ट करेगा, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आप कैसे चेक किए हैं, एच इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा, दोबारा बता रहा हूँ, देख रहे हो हर क्वेश्चन में कई बार बता देता हूँ, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल, ये के और डेल्टा थीटा सेम है, इसको लिखोगे पाई आर स्क्वायर, तो जो एच होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन एल होगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना है, 2R0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L0, ये कितना हो जाएगा 4 एल नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट, लिख रहा हूँ आर नॉट है, यहाँ पे है आर नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट, तो सबसे ज्यादा इसी में आएगा, यही वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे मैंने चारों जगह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा, ए बी सी डी में लगाओगे तो बी का सबसे ज्यादा आएगा।